हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज और आपका फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने छत पे टॉप मोस्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ। मैं बैक कैमरा ऑन करके आपको दिखाता हूँ गोटा दिखता कैसा है। तो देखिए गाइस, मैं ऊपर जा रहा हूँ सीढ़ियों से। लोहे की सीढ़ी है। ये मैं छत पे आ गया हूँ, बिल्कुल टॉप मोस्ट फ्लोर पे। ये इधर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। कोटा में आप जगह जगह देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर हमेशा चलते रहते हैं। बड़े बड़े हॉस्टल्स, मकान वगैरह बनते रहते हैं। कोटा जल्दी से डेवलप कर रहा है, बहुत बिल्कुल फास्ट डेवलपमेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं और यहाँ पर उनको बेस्ट से बेस्ट सुविधा दी जाती है। देखिएगा ये दूर दूर तक आपको कोटा का नज़ारा दिख रहा है। ये मैं जिस छत पे खड़ा हूँ वहाँ पे ये दो टंकियाँ रखी हुई है। मैं इसके आगे का पार्ट दिखाता हूँ आपको। ये बड़े बड़े हॉस्टल्स दिख रहे होंगे आपको। यहाँ का नज़ारा है, इधर भी हॉस्टल है ये, और इसी तरफ बिल्कुल आगे की तरफ अंदर की तरफ एलन का भी एक ब्रांच है। ये है मेरे छत से ऐसा दिखता है नज़ारा। बहुत ही बिजी लाइफ होती है यहाँ पे स्टूडेंट्स की। और फिलहाल मैं भी अभी यहीं पर हूँ, कोटा में ही। तो ये यहाँ का नज़ारा है दोस्तों। देखिए अभी दिन के 11:30 बज रहे हैं। मैंने कुछ कपड़े कल धो करके छत पे सूखने के लिए दिए थे, तो मेरे कपड़े यहाँ पे ये रहे। आज सोमवार है, कल संडे था, तो कल छुट्टी का दिन था तो कल धोए थे। अभी सर्दी का टाइम है इसलिए जल्दी थोड़ा टाइम लगता है उसको, कपड़ों को सूखने में। ये है आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों। ये मेरा बैग है एलेन का, बेड है, यही कपड़े जो मैंने अभी ऊपर छत पर से लाए। कल संडे था इसलिए टाइम मिल गया था यूनिफॉर्म वगैरह धोने का, तो धो लिया। मैं एक्चुअली पीजी में रहता हूँ, मैं हॉस्टल में नहीं रहता हूँ, तो ये सब काम ज़्यादातर खुद ही करना पड़ता है। ये जूते वगैरह, बाल्टी, ये थोड़े बहुत एक्सरसाइज का सामान जो कि मैं हफ्ते में एक दो बार या तीन बार ज़्यादा से ज़्यादा कर पाता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता यहाँ पे। ये कुछ सामान, इग्निशन रॉड, ये पिछले साल वाला बैग है, और किताबें जो मैं जिनकी ज़रूरत इतनी नहीं होती है ये मैंने वैसे ही रख रखा है, मॉस्किटो नेट। और इधर जैकेट वगैरह, एलन का यूनिफॉर्म भी है इधर। और ये मेरा डेली शेड्यूल, ये लैंप मेरी अभी ख़राब हो गई है, मैं इसको ठीक करवाऊंगा। वैसे अभी ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर ठीक करवाऊंगा, क्योंकि मुझे हो सकता है प्रॉब्लम आए बाद में। ये इतना बड़ा सा मिरर मेरे कमरे में, ये चार्जिंग स्लॉट चार्ज वगैरह करने के लिए, ये कुछ किताबें, ये OMR भरने का प्रैक्टिस जो मैं करता हूँ, ये पेपर्स हैं और कुछ किताबें, एलन के मॉड्यूल वगैरह। ये फ़ोटो अभी मैंने इधर ही खिंचवाया, इस लिफाफे के अंदर फ़ोटो है। और ये केमिस्ट्री के मॉड्यूल, ऊपर टेस्ट पेपर रखा हुआ है।
अभी दोस्तों 11:30 बज रहा है। ये कुछ पुराने पेपर्स और सब, मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ। ये मैंने कुछ अपना अपने टारगेट सेट कर रखे हैं। ये भगवान कृष्ण से मुझे बहुत प्यार है, तो मैंने उनके फोटोज़ भी रख रखे हैं अपने कमरे में। जब कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं दीप वगैरह ज़रूर जलाता हूँ, और थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी हो ही जाती है। नीचे भी है थोड़ा बहुत, ये पर्स वगैरह है, श्रीमद् भगवद गीता वगैरह है, आप देख सकते हैं। यही कुछ चीज़ें हैं मेरे कमरे में। ये भगवान की मूर्ति, और इधर भी नोट्स वगैरह, एनसीईआरटी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, आप देख सकते हैं। यही है लाइफ यहाँ पे, मैं यहीं इसी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करता हूँ। पानी का बॉटल वहाँ पे रखा हुआ है। ये है मेरा रूम। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा और आपको कोटा के बारे में, एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि उसके दबाने के बाद ही आपके पास मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।